ब्लॉग आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंस है वैसे तो आपको थमनेल से भी पता चल गया होगा कि आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं पी आर वर्सेज सिटीजनशिप जहां फिर कह लो कि पी आर का ज्यादा फायदा है कि सिटीजनशिप का फायदा है जहाँ फिर हम मतलब कंप्लीटली इस टॉपिक पर बात करेंगे कि वट इज पी आर ऑफ़ कैनेडा या फिर वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ सिटीजन बींगजन ऑफ कैनेडा राइट सिटीजन शिप ऑफ कैनेडा मैंने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है अब मतलब कि मैं पी आर पर भी रह चुकी हूँ इतने साल और अब मैं कनेडियन सिटीजन हूँ तो आई कैन डिफ्रेंश बहुत चीज़ें तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैनेडा की पी आर क्या है अगर आप क्या करते हो कि रिवॉक भी हो सकती है वैसे मैंने पी आर के बेनिफिट्स की वीडियो कम्प्लीट शेयर कर रखी है उसमें भी देख सकते हो बट आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली पी आर वर्सेज सिटीजनशिप राइट तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले तो अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर लो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गो ओके सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीआर कौन होता है पीआर जैसे कि अगर आप इंडिया से भी अप्लाई करते हो या कहीं से भी मतलब कोई भी अप्लाई करता है परमानेंट रेजिडेंस के लिए कनाडा की अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वो पीआर बेसिस पे आते हैं जहाँ फिर जो लोग यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं और वो लोग अपना जॉब करने के बाद पी के लिए अप्लाई करते हैं वो पी होते हैं सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप के लिए क्या है कि आपको कैनेडा में पी होने के बाद कंप्लीट तीन साल तीन साल रहना पड़ता है चाहे वो तीन साल कॉन्टिन्यूसली हो चाहे वो तीन साल स्प्लिट करके हो मतलब पांच सालों में तीन साल ऐसे आपको मतलब वन थाउजेंड नाइन्टी फाइव डेज कंप्लीट करने होते हैं फिर आप सिटीजनशिप होते हो ठीक है जी कि पीआर क्या चीज है ठीक है जी तो पी आर इज अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कैनेडा जैसे आप सबको पता है जिसके बहुत सारे अपने बेनिफिट है नंबर वन आप एलिजिबल हो जाते हो कैनेडा में परमानेंट रेजिडेंस परमानेंटली रहने के लिए ठीक है जी और यू कैन वर्क एनी इन कैनेडा बट यहाँ पे पी आर की एक चीज होती है कि पी आर जो होती है आपको एवरी फाइव ईयर रिन्यू करानी पड़ती है वो परमानेंट नहीं होती ठीक है जी उसको एवरी फाइव ईयर आपको रीन्यू कराना ही पड़ता है ठीक है बट वर्सेज अगर हम सिटीज़नशिप की बात करें वो आपको एक बार मिल गई तो वो लाइफ लॉन्ग है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है और नंबर दो पे अगर हम पीआर की बात करें तो पीआर कार्ड जो आपका होता है वो रिन्यू भी तभी होता है अगर आप उन पांच सालों में कंप्लीट दो साल जो है वो कनाडा में रहे होने चाहिए कंप्लीट दो साल ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट दो साल आपको कॉन्टिन्यूसली रहना पड़ेगा पांच साल में इन एंड आउट इन एंड आउट कर सकते हो उसमें से सिर्फ दो साल कंप्लीट आपको कैनेडा में रहना पड़ेगा तब आप जो है अपना पीआर कार्ड रिन्यू करा सकते हो और अगर आप लेट से दो साल नहीं रहते तो ऑब्वियसली रीन्यू नहीं होता है ठीक है दूसरी अगर साइड हम सिटीज़नशिप की बात करें उसमें आप चाहे जितने साल मर्जी चाहे इंडिया रह लो चाहे कहीं भी रह लो पांच साल छह साल पांच महीने चार महीने और चार साल जितने साल भी रहना चाहे आउट ऑफ कनाडा आप रह सकते हो अ कैनेडियन सिटीजन तो ये तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया नंबर दो कनाडा का जो पासपोर्ट होता है ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है मैंने रिसीव वैसे मैं कभी कहीं गई नहीं हूँ बट फिर भी मतलब फीलिंग आती है बंदे को कि कनाडा का जो पासपोर्ट होता है कनाडा के पासपोर्ट के ऊपर आप 185 कंट्रीज जो है विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हो तो मतलब यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यू इट ऑलमोस्ट जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो सारी आती हैं अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है सिटीजनशिप में कैनेडा के पासपोर्ट में कि जब हमने इंडिया जाना है तब हमें इंडिया का वीज़ा लेना पड़ेगा पता नहीं इंडिया उस कंट्रीज में उन कंट्रीज में नहीं आता जिनमें कैनेडा का मतलब कनाडा को जो कनेडियन सिटीजन है उन लोगों को वीजा ना लेना पड़े तो बाकी सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आती हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज सारी आती है, 185 हैं 185 कंट्रीज हैं जिसमें हम बिना वीजा लिए जा सकते हैं बट इंडिया उनमें से एक नहीं है इंडिया अगर हमने कभी जाना है तो हमें वीजा लेना पड़ेगा और हमारे पास ओ की ऑप्शन है हमें ओ कार्ड बनवा सकते हैं जो हमारी ड्यूल सिटीजनशिप हो जाती है फिर उसके ऊपर हम जो है इंडिया जा सकते हैं बट वहीं पे अगर हम पी हैं तो पी आर, अगर आप पी हो तो आपको हर जगह जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा सेम एज इंडियन पासपोर्ट जैसे लगा लो राइट right? कुछ ऐसी ऑब्वियसली कंट्रीज होती हैं जहां पे आपको नहीं लेने की जरूरत पड़ती बट यूएसए की अगर बात करें क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है क्योंकि यूएसए के और कैनेडा के रिलेशन आपस आप में बहुत अच्छे हैं तो कन्फ्यूजन क्या रहती है कन्फ्यूजन रे रहती है कि शायद अगर आपके पास पी है कनाडा की तो शायद आप यूएसए बिना वीजे को जा सकते हो बट नहीं ऐसा नहीं है अगर आप कनाडा के पी हो तो आप यूएसए बिना वीजे के नहीं जा सकते सिटीजनशिप पे आप वीज़ा बिना वीजे के जा सकते हो बट पी पे नहीं जा सकते तो एक ये नंबर दो पे मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि 185 आप कंट्रीज घूम सकते हो विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायरमेंट ठीक है जी बट ए ये इसमें डीमेरिट भी है कि इंडिया के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता है बट एनी anyway, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ठीक है जी तो अब नंबर तीन सिटीजनशिप का फायदा नंबर तीन पे ये है कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे तो पीआर वाले भी गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं कनाडा में इनफैक्ट पीआर होने की भी कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको पीआर की भी जरूरत नहीं होती बट कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप सिटीजन ही होने चाहिए लेट्स अगर आप पुलिस में तो तुम पी जा सकते हो एक रॉयल माउंटेड पुलिस है आर आर बोलते हैं हम उसको रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आर पुलिस जो होती है कनाडा की नंबर वन पुलिस डिपार्टमेंट है रॉयल माउंटेड पुलिस उसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो फिर आप कनेडियन सिटीजन होने चाहिए बट दूसरी अगर पुलिस की जॉब आपने कोई करनी है तो उसमें आप कनेडियन हो तो मतलब परमानेंट रेजिडेंस हो तो चल जाता है बट रॉयल माउंटेड पुलिस में आर में उसमें आपको सिटीज़न होना चाहिए उसमें आपकी जो है सी में जाने के लिए सिटीजनशिप होनी चाहिए दूसरी पुलिस में जो है पीआर होनी चाहिए अब जैसे हम बात करें अगर आपने नेवी में जाना है आर्मी में जाना है कनाडा की उसमें आपको कनेडियन सिटीजन होने चाहिए अब जैसे इंडिया में रॉ है ऐसे किसी uh, मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो भी आप कनेडियन सिटीजन होने चाहिए और नंबर दो पे आप अगर बात करें अगर आपने पॉलिटिक्स वगैरह में जाना है उसमें भी आप सिटीज़न होने चाहिए तो उस जगह पे आपको बींग अ कनेडियन सिटीजन बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं नंबर चार की तरफ ठीक है नंबर चार में आपकी वोटिंग अगर आप परमानेंट रेजिडेंस हो तो आप वोट नहीं दे सकते बट बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन आपको राइट टू वोट जो है वो मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है और जब आप कैनेडियन सिटीजन होते हो तो एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ जब आप कैनेडियन सिटीजन होते हो उसके बाद आपको वोटिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है कैनेडा में वोट ऐसे डाली जाती है कि जब आप रजिस्टर कर दोगे वोटिंग के टाइम पे आपका कार्ड आता है घर पे मतलब वो वोटर कार्ड नहीं होता इंडिया की तरह इट्स अ डिफरेंट कार्ड जो आपको वो उसके ऊपर आपका नाम एज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है वो आपको लेके जाना होता है वहां पे तो आपको वोट डालनी होती है ठीक है जी तो ये एक अच्छा मतलब कह सकते हो पॉइंट है आपके लिए राइट टू वोट अब किन अब एक और फायदा है जो अब पी आर का सिटीजनशिप का ज्यादा फायदा रहता है वैसे तो इसमें फायदा क्या है मतलब है, है ऐसा आपको है। प्रिविलेज है कह सकते प्रिविलेज कह सकते फायदा नहीं प्रिविलेज है कि लेट्स अगर कोई बंदा क्राइम करता है कनाडा में कुछ क्राइम कर दिया कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया अगर उस टाइम पे आप पीआर हो ना तो आपकी पीआर वो कैंसिल कर सकते हैं पीआर कैंसिल करके आपको आपकी कंट्री वापस भेज सकते हैं बट अगर आप कनेडियन सिटीजन हो तो आपको वो कभी भी वापस नहीं भेज सकते अगर आप कनेडियन सिटीजन हो तो उनको वो क्या करते हैं उनको आपको यहाँ पे भी यहीं पे कनाडा में ही जो सजा आपकी बनती है वो देनी पड़ेगी बट आप यहीं पे रहोगे मतलब आपको वापस नहीं भेज सकते तो ये एक मतलब प्रिविलेज हो जाती है आपको अगर आप वैसे तो ऐसे काम करने ही क्यों है बट जस्ट मतलब बता रही हूँ जो रूल्स हैं ठीक है अगर हम ओवरऑल देखे मतलब इन नक्शल अगर हम बात करें अगर हमने ओवरऑल देखना है अगर आपने सोच रखा है कि आपने कनाडा में ही रहना है राइट अगर आप रह रहे हो यहाँ पे तो मुझे ये लगता है पर्सनली मेरा ओपिनियन है बाकी हर किसी की अपनी सोच होती है मतलब सिटीजनशिप लेने का ही ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू कनेडियन पीआर आर कनेडियन पी का क्या है कि आपको हर पांच साल में रिन्यू करानी पड़ेगी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी और दिमाग में टेंशन रहती है राइट पासपोर्ट का क्या है कनेडियन सिटीजनशिप का क्या है कि एक बार आपका पासपोर्ट आ गया अब जैसे मेरा पासपोर्ट आ रखा है राइट अगर आपका एक बार पासपोर्ट आ गया आपको कोई टेंशन नहीं है अगर हम बात करें कई लोगों को रहता है यार इंडिया का वीजा लेना पड़ेगा ना क्या फायदा बट अगर आप इंडिया की ओ सी आई लेते हो अब इंडिया की ओ सी आई का क्या है जब मैंने ओ सी आई अपनी अप्लाई करी थी तो मतलब अप्लाई मैंने सरेंडर करा हुआ है इंडियन पासपोर्ट बट अभी तक मुझे ओ सी आई की जो है मैंने एप्लीकेशन बहुत देर से भर रखी है बट मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो मैं अपॉइंटमेंट की ही वेट कर रही हूँ मुझे अगले महीने की शायद डेट्स अवेलेबल है तो मैंने बुक करनी है तब मैं वहां पे जाके भी मतलब ब्लॉग बनाऊंगी आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी वहां पे क्या है ठीक है बट लेट से अगर हम बात करें अब अब जैसे मैं ओ कार्ड मुझे मिल जाएगा ठीक है ओ कार्ड जब मुझे मिल जाएगा तो उसमें मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है मेरे सेम राइट्स से रहेंगे इंडिया के मैं कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी अगर बंदे ने बाय करना हो तो बंदा बाय कर सकता है तो लोगों को ज्यादातर यही कंफ्यूजन रहती है कि अगर हमने ओ कार्ड ले लिया जो हमने अपनी सिटीजनशिप रिवोक कर दी इंडियन तो क्या हमारे जो राइट्स हैं वो सेम रहेंगे तो उसमें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ सारी चीजें सेम रहती है आप सब कुछ कर सकते हो घर ले सकते हो बिजनेस ले सकते हो सब कुछ कर सकते हो इंडिया में क्योंकि आपका जो ओसीआई कार्ड होता है इट्स जस्ट काइंड ऑफ योर ड्यूल सिटीजनशिप अब वीजे के कंपैरेटिवली ओसीआई कार्ड लेना ही बेटर है इंडिया का वीजा लेने के लिए क्योंकि फीस उनकी सेम रहती है ओसीआई कार्ड जो हमारा बनता है वो लाइफ टाइम के लिए बनता है और जो वीजा मिलता है आपको इंडिया का वो मिलता है तो तो साल साल का जो तो पांच साल का फिर वो जब खत्म हो जाता है फिर आपको दोबारा दोबारा पैसे लगाने पड़ते हैं और फिर दोबारा दोबारा अप्लाई करना पड़ता है उससे अच्छा है बंदा एक ही बार पैसे लगा के अपना ओसीआई कार्ड बना ले ठीक है तो उस चीज के भी फायदे हैं तो बट वही मैं बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल ये सोच के मत जाओ कि यार मैंने इंडिया की सिटीजनशिप रिवोक नहीं करनी है इसलिए मैं कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं ले रहा जिस कंट्री में आप रहते हो जहां पे आपने अपना फ्यूचर सोच रखा है वहीं पे रहना है तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको कनेडियन सिटीजनशिप ही लेनी चाहिए पी पे ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए जब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है अपना टेस्ट दो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो और सिटीजनशिप ले लो ठीक है तो विद दैट ऑल थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आज की वीडियो में मैंने डिफरेंस बताया है दोनों चीजों में क्या पी और सिटीजनशिप का डिफरेंस है तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइबर 80 परसेंट लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्दी से कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग बाबाई टेक केयर मिलते हैं अगली ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ कॉमेंट करके जरूर बताना अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हो बाबा